सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वहीं सोलन के रूड़ा गांव में स्थित श्रीराम लोक मंदिर में ध्वज स्थापित करने के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में राम भक्त उमड़े। बाबा अमरदेव जी ने श्रीराम लोक मंदिर में ध्वज स्थापित करते हुए लोगों से अपना जीवन श्रीराम को समर्पित करने का आग्रह किया। श्रीराम लोक मंदिर का निर्माण श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर करवाया गया है, जो लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। विशेष पूजा अर्चना के मौके पर स्थानीय विधायक धनी राम शांडिल्य और विधायक विक्रम सिंह जरियाल समेत कई जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की तादाद में राम भक्त मौजूद रहे। मंदिर के प्राचीर पर लहराती हुई राम नाम की पताका, हर तरफ जय श्री राम की गूंज। साधु सन्यासियों की मौजूदगी और चारों तरफ गूंजती राम नाम की धुन, ये नजारा है सोलन जिले के श्रीराम लोक मंदिर का, जहां पर विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा अमरदेव ने मंदिर में ध्वज को स्थापित किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों के साथ सैकड़ों की तादाद में राम भक्त भी मौजूद रहे। सोलन के साधुकुल के पास रूरा गांव में मौजूद श्रीराम लोक मंदिर कई मायनों में खास है। मंदिर का निर्माण श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या के तर्ज पर करवाया गया है। राजा दशरथ के महल की तरह ही मंदिर में 108 गुम्बदों का निर्माण भी करवाया जा रहा है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां सबसे ऊंची मूर्तियों में शुमार है। कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने बताया कि ये दिन क्यों बेहद ऐतिहासिक है। इसके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। 17 जुलाई 1528 ईस्वी को बाबर ने राम मंदिर पर हमला किया अयोध्या में और मंदिर को ध्वस्त किया था। आज 490 वर्ष के बाद 18 जुलाई को फिर से राम मंदिर बनाकर यहाँ पर ध्वजा संग्रोह किया गया है। इसलिए हम जो भारतवासी हमें गर्व होना चाहिए इसके लिए। और राम मंदिर आपने पढ़ा होगा रामायण में भी, मैंने तो पढ़ा है कि कलयुग में राम मंदिर जो है वो रूड़ा गांव में बनेगा। तो सदा बाबा जी ने ढूंढते हुए इस गाँव में पहुँचे होंगे, उनके चरण पड़ने थे और राम मंदिर का यहाँ पर बहुत बड़ा एक विशाल मंदिर बना है। मंदिर में ध्वज स्थापित करने के मौके पर विशेष पूजा अर्चना हुई, साथ ही विशेष भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में साधु सन्यासियों के साथ साथ राम भक्तों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में श्री राम दरबार समेत ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता हाटकोटी महिषासुर मर्दिनी, भगवान परशुराम और मुख्य द्वार पर 11 मुखी हनुमान विराजमान है। इस मौके पर बाबा अमरदेव जी ने लोगों से अपना जीवन राम नाम के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। श्री रामलोक मंदिर में स्थानीय विधायक धनीराम शांडिल्य, पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी समेत राम भक्त बड़ी तादाद में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। अमरप्रीत सिंह, MH1 न्यूज, सोलन।